हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है दिन सैटरडे है और आज मैं जा रही हूँ अपने बेडरूम का मेकओवर करने, क्योंकि आप लोग भी बहुत दिन से पूछ रहे थे किस दिन मेकओवर कर रहे हो। तो आज सैटरडे भी है, अयान के पापा की छुट्टी है, तो थोड़ा सा उनके पास भी टाइम है, तो वो भी मेरी हेल्प करा देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपने आप नहीं बन पाएंगी, उसके लिए हेल्प चाहिए। तो इस बेडरूम के मेकओवर में सबसे पहले मैंने अपनी अलमारी को सेट कर लिया है, क्योंकि बाकी के जो काम थे वो मेरे अकेले के नहीं थे। तो मैंने कहा जब तक ये आ रहे हैं जब तक मैं अपनी अलमारी सेट कर डालूं, क्योंकि जो मैंने ये नए वाले हैंगर मंगाए थे वो भी मैंने अभी यूज़ नहीं किए थे। तो इन हैंगरों में मैंने अपनी साड़ियों को लगा लिया है, मतलब जो डेली वाली साड़ियाँ होती है उनको, और बाकी के जो कपड़े हैं वो ऑर्गेनाइज़र में और अलमारी में सेट कर दिए हैं। और चलिए मेकओवर करने से पहले मैं पूरा बेडरूम एक बार आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि वैसे तो आप डेली देखते हैं लेकिन जो लोग नए लोग इस वीडियो को देखेंगे तो एक बार देख लेंगे कि मेरा बेडरूम कैसा लगता है पुराना पूरा, उसके बाद मेकओवर कैसा हुआ है। तो ये है वो फोटो क्लिप्स, मतलब इसमें सारी हम फोटो लगाएंगे। 10 फोटो आएंगी। कितनी सिलेक्ट की हमने? मैंने 10 ही सिलेक्ट करी है, जिसमें से 9 रमा की है, एक ख्याल की है। नहीं, ऐसा नहीं है, बस सब की है उसमें। एंटेंगल कर लिया है इसको एंड देखते हैं कहाँ लगाते हैं। हमारे पास दो वॉल है लगाने के लिए, या तो इधर लगा सकते हैं तो एक प्ले बटन की शोभा बढ़ाएगा थोड़ा सा, राइट। और अगर इधर लगाएंगे तो हमको एक फोटो फ्रेम इधर और लगाना है तो उसकी शोभा बढ़ेगी। वॉइस ओवर करने में यहाँ पर बहुत तेज बाजे बज रहे हैं, पता नहीं किस चीज के बज रहे हैं, शायद यहाँ चुनाव हो रहे थे, उसी में जीत गए होंगे, उसी के बज रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने फोटो भी सिलेक्ट कर ली है। तो इसमें 3 पॉइंट बनाएंगे, एक पॉइंट ट्रायंगल टाइप में, 1, 2 एंड 3। मुझे लग रहा है ऐसे करें तो ऐसे परवलयाकार, परवलयाकार पैराबोले। हाँ रमा, बोलो। मुझे कपड़ा लाके दो, ये प्ले बटन काफी गंदा हो रहा है, मैंने इसको साफ करता हूँ। इस पूरे बेडरूम के मेकओवर में हमें टाइम तो लगा था लगभग 6-7 घंटे का, लेकिन करने के बाद में सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है जब हमारी मेहनत हमें अच्छी लगती है उसके बाद में। तो कहाँ जाएंगे इतने नीचे ले आए? सुन मेरी बात, इट्स माय चॉइस। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। मेरा मुंह क्यों छुपा दिया? मेरे जानबूझ के छुपाया तुमने? मैं नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। तो फोटो क्लिप्स हमारी लग चुकी हैं, उसके बाद में जो मैंने 3D वॉलपेपर मंगाया था इस दीवार के मेकओवर के लिए, उसको अब हम सेट करेंगे। यहाँ से लगाना शुरू करो, क्योंकि वहाँ से अगर थोड़ा खाली रह भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से खाली रह गया तो अजीब लगेगा। तो ये 3D वॉलपेपर की ऐसे एक एक सीट दी हुई है और इसको ऐसे पीछे से निकाल देना है, और निकालने के बाद तुरंत ही इसको जहाँ भी दीवार में फिक्स करना है वहाँ पर इसको तुरंत लगा देना है, तो ये एकदम से फिक्स हो जाएगी। और ये थोड़ा सा साइड छूट गई है किनारे, ये वाइट वाइट दिख रही होगी आप लोगों को, वो इसलिए क्योंकि नीचे टाइल्स है तो वो एक सीध में नहीं आ पा रहा था और कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा छूटा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसको एक लाइन में सारे ऐसे लगाते चले जाना है, फिक्स करते चले जाना है, तुरंत तुरंत दबा देना है इसको। तो ये मतलब अच्छे से लग जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ दो लोग लगेंगे, अकेले नहीं लगा पाओगे। हमने इस पूरे मेकओवर का काम एक बार में नहीं किया था। इतना करने के बाद फिर हम चले गए थे खाना बनाने खाने, क्योंकि ये बोल रहे थे कि खाना खा लो क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। ये तो छोटे से वीडियो में इतना देखने को मिल रहा है, लेकिन टाइम बहुत लगा था, मेहनत भी लगी थी। कैसे हो सभी? तो मैडम का सारा काम खत्म हो चुका है, अभी मैडम की मस्ती का टाइम है बेटे के साथ। और एक बात माननी पड़ेगी यार, लेकिन ये रमा जो है सारे काम सिंगल हैंडेडली कर सकती है, काम भी कर लेती है, बच्चे साथ मस्ती भी कर लेती है, मतलब मैं क्या ही बोलूं यार। यार एक बात बताओ, कैसे कर लेती हो इतना हार्डवर्क? मतलब हार्डवर्क ठीक है मैं भी करता हूँ, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ बच्चों को भी संभाल लेना कैसे कर लेती हो यार, इतना सब मैनेज अकेले? वो भी वो महिलाएं जानती हैं वो कैसे संभालती हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ है ये गुड नाइट गोल्ड फ्लैश, जो कि अयान को आराम से खेलने देता है, वरना सोचो इतना ये मेकओवर भी करने नहीं देता, इतना मुश्किल कर देता
क्योंकि गुड नाइट गोल्ड फ्लैश जो है वो इंडिया का मोस्ट पावरफुल वेपोराइजर है। क्या क्या बोल रहा है ये? अरे ये बोल रहा है धपाक धपाक, क्योंकि इसका फ्लैश मोड छोड़ता है फ्लैश वेपर्स को जो रूम के कोने कोने में जाकर मच्छरों को करता है धपाक धपाक। जैसे कि ये गुड नाइट गोल्ड फ्लैश अभी फ्लैश मोड पर है और इससे फ्लैश वेपर्स निकल रहे हैं। और इसका जो बेस्ट पार्ट ये है कि इसका फ्लैश मोड 30 मिनट के लिए फ्लैश वेपर्स को छोड़ता है और ऑटोमेटिक 30 मिनट के बाद ये नॉर्मल मोड में चला जाता है और फिर 4 आवर्स के बाद फिर से ये फ्लैश मोड में आ जाता है। ये साइकिल चलती रहती है और अच्छी बात ये है कि इसके जो फ्लैश वेपर्स हैं वो सभी के लिए अच्छे हैं, चाहे बच्चों से लेके बूढ़ों तक के लिए ये अच्छे हैं, सेफ है, तो हम अपने बच्चों को सबको सेफ रख सकते हैं इसके द्वारा। ये है गुड नाइट गोल्ड फ्लैश, इसको आप आराम से लगा सकते हैं और चैन की नींद सो सकते हैं। ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप ऑनलाइन भी इसको मंगवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। और उतना मेकओवर करने के बाद अब मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में बना रही हूँ मैं लौकी का कोफ्ता, क्योंकि ये कह रहे थे कि सिंपल लौकी मत बनाओ, सिंपल उतनी अच्छी नहीं लगती है, हफ्ते में एक बार तो कोफ्ता खा सकते हैं, मतलब इस तरह की सब्जी खा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ले ली है लौकी छील के, उसको कद्दूकस कर लिया है और उसका जितना भी पानी है उसको निकाल दिया है, और बाकी सारी चीज़ें डाल दूंगी जो कि हम कोफ्ते में रेगुलर डालते हैं, प्याज हरी मिर्च वगैरह। तो यहाँ पर निकाल रही हूँ मैं कोफ्ते की पकौड़ियाँ, और भूख लगी है तेज़ी से, तो और जल्दी जल्दी सब्जी बनाने में लगी हूँ। और ये भी कुछ बातें कर रहे हैं इसलिए मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि काम जब कितना भी हो ना, बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन हम हंसते खेलते करते रहते हैं ना, तो थकावट भी नहीं लगती है और काम भी बड़े मज़े से हो जाता है, चाहे जितना टाइम लग जाए लेकिन समझ में नहीं आता। सब्जी भी छौंकती जा रही हूँ और साथ ही साथ मैंने चावल भी रख दिए थे, और फिर रोटी नंदिनी ने बना ली थी, फिर मैं इनके साथ काम करवाने लगी थी जाके, क्योंकि थोड़ी सी ही रोटियाँ बनानी थी। तो यहाँ पर हमारा खाना तैयार हो चुका है, तो पहले आ जाइए खाना खा लेते हैं, फिर आगे लगते हैं। चलिए ये है फोटो फ्रेम, बहुत दिन हो गए इसको लाए हुए, मतलब जैसे ही कोरोना के बाद मार्केट खुला था तभी मैं इसको खरीद के ले आई थी, लेकिन आज इसका नंबर आया है, क्योंकि मेकओवर एक दिन में नहीं होता है, हम छोटी छोटी चीजें पहले इकट्ठा करते हैं, उसके बाद ही कहीं रूम का मेकओवर हो पाता है जाके। क्यों, कैसा लग रहा है काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, बस मुझे मेरी दिहाड़ी दे देना यार। मेरी दिहाड़ी, एक कप कॉफी जो बड़े कप लेके आए ना उसमें दे दो यार, मजा आ जाएगा। यहाँ पर नंदिनी बना रही है कॉफ़ी और बेडरूम में चल रहा है हमारा काम। बोल रही थी मौसी चलो मैं कॉफ़ी बना देती हूँ जब तक आप काम कर रहे हो, क्योंकि नंदिनी कॉफ़ी बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत अच्छी कॉफ़ी बनती है, चाय भी अच्छी बनाती है, लेकिन कॉफ़ी का टेस्ट अलग ही रहता है, बहुत अच्छे से बनाती है कॉफ़ी को। तो कॉफ़ी तो तैयार हो गई है, और चलिए बेडरूम में देख लेते हैं कि क्या कर रहे हैं हम लोग। तो ये है राधे कृष्ण की पेंटिंग जो हमने मंगाई थी, इसके किनारे में कॉर्नर में इस तरीके से कागज़ लगे हुए थे ताकि पेंटिंग ख़राब ना हो, तो वही निकाल रहे हैं, और इसको लगाएंगे हम साइड वाली दीवार में जहाँ पर हमने ये वॉलपेपर लगाया है, क्योंकि इसके ऊपर ही अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही थी यहाँ पे। कोई बात नहीं, आज कोल्ड कॉफी पिएंगे। और
और जब सब जगह नया नया कर रहे हैं तो बेड सीट भी नई होनी चाहिए। तो ये वाली बेड सीट हो सकता है मैंने आपको दिखाई हो, ऊपर से ही दिखाई होगी, खोल के नहीं दिखाई है, काफ़ी दिन पहले से रखी है मैंने। इसको मेकओवर के लिए ही रखा था कि जिस दिन मेकओवर करूँगी उस दिन बिछाऊँगी। और ये है कंबल, ये तो आपने देखा ही है जो मैंने मंगाया था। तो जो छोटे छोटे कंबल थे मेरे पास पुराने वाले, उनको मैंने अलग कर दिया है और उसकी जगह मैंने ये नया वाला कंबल लगा दिया है। ये पूरे डबल बेड का कंबल है। और चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको कि ओवरऑल लुक बेडरूम का कैसा लग रहा है, कहाँ कहाँ पर हमने क्या लगाया है। तो ये है सारी फ़ोटोज़, फ़ोटो क्लिप्स में जो लगाई हैं, तो ये इस वाली दीवार पर लगा दी हैं। और ये है फ़ोटो फ्रेम, और फ़ोटो फ्रेम के किनारे किनारे दो सीनरी लगा दी हैं जो रखी थी। तो ये वाली दीवार भी कंप्लीट हो गई है। और ऊपर मैंने गेट के ऊपर ये लगा दिया है, एक कैंडल स्टैंड रखा हुआ था सो पीस में, सो पीस वाला। और उसके बाद में इस वाली दीवार पे लगी है पेंटिंग, और उसके नीचे ये वॉलपेपर से दीवार हो गई है पूरी कवर। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो गया है। और इस तरफ है खिड़की गेट के, तो इतना कुछ यहाँ पर लगा दिया है। और उसके बाद ये पूरा अब बेडरूम आप देख सकते हो कि कैसा लग रहा है मेकओवर करने के बाद। कोशिश सो फाइनली रूम का मेकओवर हो चुका है। वैसे तो इसमें बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन हमारे हिसाब से जो कमी है वो ये है कि हमने यहाँ पर अपने फोटोग्राफ्स नहीं लगाए हुए हैं, क्योंकि हमारा प्लान है कि यहाँ पे शादी की कुछ तस्वीरें हम अपनी यहाँ पे लगाएंगे ताकि एक याद बन सके। लेकिन शादी का हमारा जो एल्बम है वो हम जब आगरा गए थे तो गलती से आगरा में रह गया है, तो फिर से जाएंगे करीब एक या डेढ़ महीने बाद, तो उसको वहां से लेके आएंगे, देन यहाँ पे लगाएंगे एंड देन द रूम विल बी कम्प्लीट। काफी अच्छा लग रहा है मेकओवर के बाद, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी देखा था कैसा था और अब देख रहे हैं कितना अंतर हो गया है। क्योंकि छोटी छोटी चीजों से जब सजाते हैं ना तो काफी अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है सर? ये तो टट्टी है। परफेक्ट, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। एंड स्पेशली ये जो वॉल है ना, ये जो वॉल है जो स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि ये जो हमने ये जो वॉलपेपर लगाया है थोड़ा सा लाइट कलर लगेगा, पिंक है थोड़ा, इसकी जगह अगर ब्राउन रहेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ब्राउन लगाते हो, ब्राउन ही राधे कृष्ण की तस्वीर अगर होती तो शायद ये तस्वीर उतना सूट नहीं करती जितना अब लाइट के ऊपर डार्क सूट कर रहा है। ये प्ले बटन यहाँ पर फोटो से छुप रहा था, इसलिए इसे निकाल के इसे लगाएंगे ऑफिस रूम में, तो मैं यहाँ लेके जा रही हूँ इसे। तो मैंने अभी इसे यहाँ रख दिया है, बाद में लगाएंगे मासा जी इसे। प्ले बटन पापा के ऑफिस में गया। तो चलिए दोस्तों, हो चुका है हमारे रूम का बेडरूम का मेकओवर। देखा कितना टाइम लगा है करने में, और सबसे बड़ा क्रेडिट मैं इनको दूंगी क्योंकि मेरे अकेले बस के ये काम नहीं होते, घर के तो कर लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर सच में बेडरूम का मेकओवर पसंद आया है और आप बता सकते हैं और भी इम्प्रूवमेंट होते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जरूर सबकी मेहनत है, सब लोग लाइक मांगो भाई। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जाइए, बिकॉज़ आप लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे इस मेकओवर को शेयर करने के लिए, तो फाइनली हमने शेयर कर दिया है। एंड पर्सनली मेरे को पूछे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो ठीक है हमारे पास जितना है, जैसे किराए का मकान है जिस तरह से हम रहते हैं उसके हिसाब से मेकओवर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।